नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी पनीर की सब्ज़ी, जो खाने में तो टेस्टी लगती ही है, साथ के साथ आप कह सकते हैं इजी टू मेक है, बहुत ही जल्दी फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है देखने में, खाने में तो जब आप इसको बना के खाएंगे तभी आपको इसका टेस्ट पता चलेगा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के बटन के पास जो बेल का बटन है साथ के साथ उसको भी प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए फिर झटपट से बनने वाली ये मज़ेदार सी पनीर की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ सरसों का तेल, तो ये 2 बड़े चम्मच मैं सरसों का तेल डालूँगी। आप इस सब्जी को बटर में, घी में या फिर रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें कुछ सूखे साबुत मसाले डालेंगे, जैसे कि दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, और ये आधी चम्मच मैंने डाल दिया है जीरा। सभी मसाले जब अच्छे से चटक जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज। प्याज को मैंने बहुत बारीक पेस्ट भी नहीं रखा है और मोटा मोटा भी नहीं रखा है, मीडियम, देखिए आप देख सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आता है इस वाली सब्ज़ी का। और अब प्याज को हमें कम से कम 4 से 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनने देना है, जब तक कि इसमें सारी जो पानी है इसका वो ना सूख जाए और प्याज में से अच्छी सी एक खुशबू ना आने लगे। प्याज के साथ ही मैंने लहसुन और अदरक भी पीस लिया था, आप चाहें तो अलग से भी पेस्ट बना के डाल सकते हैं। और देखिए तेल ऊपर दिखाई देने लग गया है प्याज में से, कलर भी चेंज हो गया है और अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। ये थोड़ा सा नमक इसमें मैंने डाल दिया है आधी चम्मच के जितना, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च और 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है, आप लाल मिर्च की जगह चाहें तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं। और 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी, जो हमारी सब्जी का टेस्ट भी बढ़ाएगी, बहुत ही अच्छे से इसमें से खुशबू भी आएगी। और सभी मसालों को प्याज के साथ मिक्स करके 2-3 मिनट और भूनेंगे। सब्जी चाहे हम कोई सी भी बनाएं, अगर आप मसाले अच्छे से भूनते हैं तो सब्जी का 100% अच्छा ही टेस्ट आता है। और इस तरह से जब सब्जी के ऊपर से तेल दिखाई देने लगे ना मसाले के ऊपर से, तो मतलब मसाले हमारे ऑलमोस्ट पक चुके हैं, अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें मैं डालूंगी 3 टमाटर। टमाटर का भी मैंने बिल्कुल दरदरा सा ही पेस्ट बनाया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, आप चाहें तो चाकू से भी इनको छोटा छोटा काट सकते हैं। और मसालों के साथ अच्छे से टमाटर को मिक्स करके इसको ढक के 2-3 मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, 1 मिनट इसको और पका लेंगे। तब तक हम पनीर जो हमने लेके रखा हुआ है पानी में धो के, इसको इस तरह से तोड़ लेंगे। मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है, आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं ग्रेटर से, लेकिन हाथ से भी बहुत आसानी से, पनीर तो सॉफ्ट ही होता है तो बहुत आसानी से टूट जाता है। पनीर को देखिए मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है, और इधर हमारे टमाटर भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं, देखिए इनमें से पूरा कोरमा छूटने लग गया है ऊपर की तरफ, बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम अपना ये पनीर, और पनीर को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये वाली सब्ज़ी मैक्सिमम 10-12 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, टेस्टी बहुत ही ज़्यादा लगती है। और आधा गिलास मैं अब इसमें पानी डालूंगी, ताकि ये जो पनीर हमने बाद में डाला है ये मसालों को अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, अच्छे से इसमें से फ्लेवर आए मसाले का। टोटल आधे गिलास का जितना मैंने पानी डाल दिया है 2 बार में। अब इसको ढक के पकाएंगे थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, जिससे कि पनीर में भी मसालों का फ्लेवर आ जाए।
और 2 मिनट बाद सब्जी का टेक्सचर देखिए, ओ माय गॉड कितना बढ़िया आया हुआ है, कितनी अमेजिंग लग रही है देखने में। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग ये पनीर की भुर्जी होटल ढाबे रेस्टोरेंट वगैरह में खाते होंगे, आप देख सकते हैं इसका लुक, इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही है। और सबसे लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 चम्मच पनीर का मसाला। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालते हैं तो सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। ये देखिए लग रही है ना एकदम मज़ेदार, बढ़िया सी, देख के ही मुँह में ज़रूर पानी आ रहा होगा। और ये आप अपने घर पे बना सकते हैं मिनटों में, जब आपके पास टाइम कम हो, बहुत ज़्यादा तामझाम आपको करने का मन ना हो, तो फटाफट से ये वाली सब्जी आप बना डालिए। कलर वाइज टेक्सचर वाइज बहुत ही अच्छी बनी हुई है सब्जी, और मुझे इस सब्जी को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। फटाफट से बनने वाली टेस्टी सी ये सब्जी है, बहुत ही अच्छी बनी हुई है। गैस का फ्लेम मैंने अब बंद कर दिया है, सब्जी को अब हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और उसके ऊपर आप पूरा ये देखिए कोरमा देख सकते हैं। आप चाहें तो इस टाइम पे अब इस तेल को निकाल भी सकते हैं चम्मच से, अगर आप ज़्यादा तेल खाना पसंद नहीं करते तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप इस टाइम पे चम्मच, एक छोटी चम्मच लें और ऊपर ऊपर से सारा तेल इसका निकाल लें, और बाद में इसको आप पराठे वगैरह बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आइए फिर अब सब्जी को सर्व कर लेते हैं। ये देखिए है ना एकदम मज़ेदार ढाबे वाली सब्जी, कितनी अच्छी लग रही है देखने में। ये आप इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ, मिस्सी रोटी, नान, तंदूरी रोटी, जैसे मर्जी चाहें खा सकते हैं। और सिंपल से चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल के हम इसको गार्निश करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा पनीर इस पर ग्रेट करके डाल दीजिए, या फिर अगर आपके पास क्रीम वगैरह है तो वो भी आप इस पर थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं। आई होप आप सभी को आज की हमारी ये अच्छी सी पनीर की भुर्जी की सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द मिलूंगी मैं आप सभी से एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और नई नई रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।